नमस्कार, आदाब। द वायर में आपका स्वागत है। आईआईटी बॉम्बे में पढ़ने वाले 18 वर्षीय छात्र दर्शन सोलंकी ने रविवार दोपहर को अपने हॉस्टल की 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी। पवई पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज किया है। इसके विपरीत आईआईटी के एक छात्र समूह ने आरोप लगाया है कि कैंपस में दलित छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव के कारण दर्शन को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया था। दर्शन की आत्महत्या के पीछे के कारणों की जांच अभी चल रही है। वहीं पुलिस ने दर्शन का लैपटॉप और मोबाइल जाँच के लिए ले लिया है। इसी बीच कैंपस के कुछ छात्र समूह ने रविवार को हॉस्टल के कॉमन एरिया में कैंडल मार्च निकाला। अहमदाबाद के रहने वाले दर्शन सोलंकी महज 18 साल के थे। उन्होंने पिछले साल नवंबर में आईआईटी में एडमिशन लिया था। दर्शन केमिकल इंजीनियरिंग के बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे थे। हालांकि पूरी घटना के एक दिन बाद आईआईटी बॉम्बे के प्रशासन ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, लेकिन छात्रों का कहना है कि समिति के गठन से कुछ नहीं बदलेगा। पिछले कई सालों से दलित, ओबीसी, आदिवासी छात्रों के साथ जातिगत भेदभाव चलता आ रहा है। अभी सवाल ये है कि किसी दलित छात्र की आत्महत्या का ये पहला मामला नहीं है। देश में इससे पहले भी कई प्रसिद्ध शिक्षा संस्थानों में रोहित वेमुला हो या पायल तडवी जैसे दलित छात्रों ने आत्महत्या की है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हमने इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आईआईटी बॉम्बे के कुछ छात्रों से बात की। आइए देखते हैं। हम सभी लोग, जो घटना हुई है उसके बाद बहुत ज़्यादा हम लोगों को आघात पहुंचा है, और जो दर्द शायद दर्शन ने महसूस किया होगा, जो एकेडमिक प्रेशर की वजह से, जो जातिगत माहौल में एकेडमिक प्रेशर महसूस करने की वजह से उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया, उस दर्द को हम सभी लोग महसूस कर पाते हैं दलित कम्युनिटी से होने की वजह से, क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं उस दर्द को महसूस किया होता है। और इस समय उनके परिवार के साथ हम सभी की सांत्वनाएं हैं, क्योंकि दलित समाज अपने बच्चों को ऐसे संस्थानों में भेजने के समय उसको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे उसका कोई पढ़ रहा है, उन लोगों का कोई जान पहचान का है, कोई रिलेटिव है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो केवल एक भरोसे के साथ भेजते हैं कि वो संस्थान में उनके बच्चे का ध्यान रखा जाएगा हर तरीके से, क्योंकि ये सरकारी संस्थान है और संविधान के नियमों के अनुसार चलते हैं। तो बहुत भरोसे के साथ भेजते हैं अपने बच्चों को, और जब ऐसी कोई घटना होती है तो पूरे समाज को एक मैसेज जाता है कि शायद ये संस्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं है या वहाँ पे हमारे लोग नहीं हैं। अगर आईआईटी बॉम्बे का ही मैं देखूँ केस, तो यहाँ फैकल्टी जो है दलित फैकल्टी ना के बराबर है, और इवन पीएचडी के छात्रों में दलित समुदाय से लोग बहुत कम है, दलित आदिवासी समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। और मैं अपने डिपार्टमेंट में अगर देखूँ तो मेरे बैच में केवल इकलौता मैं दलित आदिवासी समाज में से इकलौता मैं हूँ। तो यही सिनेरियो हमको पूरे कॉलेज में देखने को मिलता है, और जो इस तरीके का कम संख्या होने का प्रभाव जो माहौल है उसके ऊपर भी पड़ता है, और जिस तरीके से कैंपस के बाहर जातिगत माहौल है वैसा ही कैंपस के अंदर भी है, बल्कि थोड़ा ज़्यादा वो ज़्यादा भेदभावपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि संख्या बहुत कम है यहाँ पे, चाहे वो फैकल्टी हो चाहे सीनियर छात्र हो, उनकी दलित समुदाय के छात्रों की संख्या कम है। और बहुत बार हमको भी सुनने को मिलता है यहाँ पे जो सीनियर छात्र हैं उनसे सुनने को मिलता है कि जातिगत टिप्पणियाँ बड़ी ही आम आम होती हैं, और रिजर्वेशन को लेके और कास्ट को लेके जो लोगों की समझ है, स्पेशली जो प्रिविलेज्ड समुदाय है, प्रिविलेज्ड कास्ट है, उनकी जो समझ है रिजर्वेशन को लेके और कास्ट को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा एक ऑप्रेसर की श्रेणी में उसको रख सकते हैं, और वो इन समुदायों का दर्द समझने में सक्षम नहीं है। शायद इसलिए उनकी तरफ से इस तरीके का व्यवहार भी देखने को मिलता है जो कि हमारे समुदाय के छात्रों के लिए घातक साबित होता है, और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम ये मानते हैं, और इसके लिए और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जो बाकी संस्थान है जैसे TISS है या अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं छात्रों को सेंसिटाइज करने का, वैसा काम इंजीनियरिंग कॉलेज में करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये घटनाएं केवल एक्सेप्शन नहीं है। अब ये घटना आईआईटी बॉम्बे में हुई है, साथ साथ IISS में हुई है, फिर एक और घटना आईआईटी मद्रास की भी हुई है। हालांकि हम जातिगत पृष्ठभूमि उस छात्र की नहीं जानते हैं आईआईटी मद्रास के, बट इस तरीके की घटनाएँ होती रहती हैं। एक पहले भी एक घटना आईआईटी बॉम्बे में
दलित समुदाय के छात्र के साथ ऐसी हो चुकी है, अनिकेत अंबोरी जिसका नाम था। तो और अदरवाइज भी बहुत एक्सपीरियंसेस बच्चों के ऐसे रहे हैं जबकि उनको कैंपस के अंदर बहुत जातिगत रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, मानसिक रूप से प्रताड़ना झेलनी पड़ी है। तो उसके लिए हम ये समझते हैं कि अर्जेंट बेसिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज दलित समाज में इसको लेके भय पैदा होगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में पिछले संडे हमारे ही साथ के एक बहुत ही कम उम्र के स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी, जिनका नाम दर्शन सोलंकी था। ये पूरे हादसे ने हमारे पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को जड़ से हिला दिया है। वी आर ऑल डीपली शॉक्ड। दर्शन की माँ बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, जो सवाल मेरे को काफ़ी दिनों से, अभी दो पिछले दिनों से मेरे को भी परेशान कर रही है कि ऐसा क्या होता है कि एक छात्र इतने उम्मीद और सपने लेके IIT जैसे इंस्टीट्यूट में आता है और 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा क्या घटना होता है, ऐसा क्या किस अलग अलग घटनाओं से गुजरता है वो छात्र या छात्री कि उसको अपनी जान देनी पड़ती है। ये जो सवाल है, ये सवाल IIT ही नहीं, आज के तारीख में हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर लागू होती है और मुझे लगता है इस पे हमें गंभीर चिंतन करने की ज़रूरत है। अभी सोशल मीडिया और कैंपस के चर्चा से ये निकल के आया है कि ये इंसिडेंट में कास्टिज्म इन्वॉल्व था, और हालांकि ये इस पे कंक्लूसिवली कहना अभी मुश्किल है क्योंकि नज़दीक से मैं भी इतना इस घटने में इन्वॉल्व नहीं हूँ, बट हमने मोटा मोटा जो सुना है, जो उनके मेंटर थे, वो मेंटर स्टूडेंट बोल रहे हैं कि वो दर्शन उनके पास काफ़ी बार आया है और जब भी उनके दोस्तों को ये मालूम चला है कि ये कोटा के थ्रू IIT में एडमिशन लेके आया है, तब उनका व्यवहार दर्शन के प्रति चेंज हुआ है। अब ये खुलासा ही अपने आप में काफ़ी बड़ा खुलासा है और इस पर अभी मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं दे पाऊँगा, बट मुझे लगता है कि दिस मे बी ए इंसिडेंट ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड इंस्टीट्यूशनल मर्डर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।